2009 में मैं नौकरी पाया, 2010 में शादी हुई, 2020 तक हम लोग बहुत खुश थे, बहुत अच्छा थे, सब तो मुझे था। लेकिन उन्होंने बताया कि ये लोग लखनऊ में मिलते भी हैं, रात भर रहते हैं। सर मेरा शक बढ़ता गया कि 21 दिसंबर को घर से निकली लखनऊ के लिए कि मीटिंग है। फिर भी सर मैं भी इनको बिना बताए इनके पीछे पीछे लखनऊ आया और मैंने सर अपनी आंखों से देखा ये लोग विभूतिकंड स्थित मैरियट होटल में रात भर रुकते हैं। सुबह मैंने वहाँ सामने खड़ा हो गया मैं ज्योति के, हमने कहा आप ये क्या कर रही हैं, ये कौन है? उन्होंने कहा ये मनीष है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और सर उसी दिन से मेरा विवाद शक जो है सच्चाई में बदला, विवाद बढ़ता गया। फिर विवाद आज यहाँ तक पहुँच गया है। मेरी पत्नी बार बार मुझे कहती है कि मुझे स्वेच्छा से तलाक दे दो वरना मैं कोर्ट जाऊँगा, मैं तुम्हारे ऊपर 376 अन्य गंभीर धाराएं लगा के मैं पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी, जेल भेज दूंगी, तलाक तुमसे लेके। मैं सर इतने सर प्रेशर में जी रहा हूँ, मैं तो सर कहता हूँ कहीं ट्रेन से कट के मैं मर जाऊँ सर, क्योंकि सर मैं बच्चियों से कभी दूर आज तक नहीं रहा हूँ सर।